हम इस वक्त PCEN के स्टूडियो में हैं और आज से हम एक नया खास प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज होगी और इस प्रोग्राम में आम लोग होंगे और गैर सियासी बातचीत होंगे और इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है इंडिया मोहब्बत की दुकान, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो मोहब्बत के ऊपर ही मुनसर करती हैं और समाज को, मुल्क को, इंसानों को मोहब्बत की हमेशा जरूरत रहती है। तो ऐसे में भारत की बातें, मोहब्बत की बातें, तो आज हमारे पहले खास मेहमान हैं मोहम्मद शफीउल्लाह फारूकी साहब। शफीउल्लाह फारूकी साहब का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद हम अपना सवाल करेंगे। शफीउल्लाह साहब एमयू के स्टूडेंट रहे हैं, बेसिकली इनकी फैमिली बिजनौर से बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश में बिजनौर एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत मशहूर है। आपके वालिद साहब इंशाअल्लाह फारूकी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर थे, बहुत उनकी शोहरत थी और वो यूनियन से जुड़े रहते थे, पॉलिटिकल पर्सन थे और ट्रेड यूनियन वगैरह में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया था। तो इंशाअल्लाह फारूकी साहब को एमयू से जुड़ा हुआ तकरीबन हर शख्स जानता है। उन्हीं के बेटे हैं शफीउल्लाह फारूकी साहब। तो आज हमारे साथ, क्योंकि हमारे हमारी ये पहली किस्त है और हमारे सबसे पहले मेहमान है फारूकी साहब, तो मेरा पहला सवाल है फारूकी साहब, आप अपने बचपन में भारत को देखे होंगे, कैसा था वो भारत? बचपन की बात तो ज्यादा दिखावे का वक्त नहीं था और थोड़े पैसों में भी लोगों का काम कर चल जाता था। हम जैसे पांच फैमिली के मेंबर थे बच्चे, तो बहुत ज्यादा बड़ी नौकरी न होते हुए बड़े अच्छे और सुकून से जिंदगी गुजारी। लेकिन आज की तारीख में ज्यादा पैसे होने के बाद भी हम वो बात नहीं देखते जो पहले थे। तो मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूँ कि बदलता वक्त और ये बदलता समाज की नफरतें और तरीका बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, सब कुछ बदल गया लोगों का। ना पहले इतना वो था, जराए थे ना इतने पहनने के लिए थे, ना इतने खाने के लिए, आज इतना खाने के लिए, इतना पहनने के लिए, फिर भी इंसान परेशान। तो इस परेशानी की वजह क्या समझते हैं आप? परेशान क्यों है इंसान सब कुछ होने के बावजूद? ज्यादतियाँ, ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई हैं और गवर्नमेंट ने एकदम से, ये जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जिसने एकदम से जो लगाम लगाई है ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए, ये बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त। रोज़गार का नाम ख़त्म हो चुका है, आज की तारीख में कहीं पर रोज़गार नहीं है, छोटे छोटे रोज़गार के लिए लोग तरस रहे हैं और रोज़गार मिलने की तैयार नहीं है। पढ़े लिखों की तो बात ही कुछ नहीं है, बेरोज़गार बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग और बेरोजगारी की तरफ हो जाए और कुछ नहीं। आप उसे स्टूडेंट लाइफ में एक अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो कौन सा खेल खेलते थे आप उस वक्त? हम लोग तो खेल खेलते रहे, तो हॉकी में मेरा थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन थोड़े बहुत स्कूल में भी करके खेले, क्योंकि क्रिकेट तो मैंने भी आपके साथ में थोड़ा सा खेला है। खेलों में खेल तो सभी खेले हैं, लेकिन बस हॉकी में इंटरेस्ट था। स्कूल लेवल तक बता दें कि शफीउल्लाह साहब बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, लेफ्ट आर्म बॉलिंग थी और बैटिंग बहुत शानदार करते थे, क्योंकि हॉकी के प्लेयर हैं तो ये लंबे शॉट खेलने में बड़े माहिर थे और सिचुएशन के हिसाब से खेलते थे। तो जैसे आप एमयू में थे उस वक्त जो माहौल था, सभी लोग आपस में आज भी जो नीचे के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो तो मिलजुल करके रहते हैं और पॉलिटिक्स में चाहे वो किसी भी तरह की बातें होती हो, लेकिन हमारा जो समाज है आज भी एक दूसरे के साथ कोई फर्क नहीं होता। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, क्या है, हम लोगों के वक्त में भी, आपके वक्त में भी, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है, आप हमारे सीनियर भी रहे, तो आपके वक्त में जो यूनिवर्सिटी में आपके दोस्त साथी वगैरह या आपके बिजनौर वगैरह में या और जो भी साथी रहे हों, उनके साथ कैसा ताल्लुक रहा आज तौर पर जो नॉन मुस्लिम थे? नहीं, हमारा बड़ा अच्छा दियाराना रहा और आज भी है, जिन लोगों से हमारा पुराने वक्त में था, आज भी बड़े
बहुत प्यार और मोहब्बत से बुलाते हैं और बैठाते हैं, खिलाते पिलाते सब। और वो बड़ा सस्ता वक्त था, थोड़ा पहनने तो था लेकिन इज्जत। और आज की तारीख में बहुत है फिर भी इज्जत नहीं है। मैं मालूम नहीं क्या वक्त हो गया है, तो वो बात नहीं है। अच्छा, कोई फर्क देखते हैं आप उस वक्त माहौल में, 40 साल पहले क्या इसी तरह से हिंदू मुस्लिम की बात होगी? नहीं, उस जमाने में इतना नहीं था। हम यहाँ शहरों में उस जमाने में राजीव गांधी और संजय गांधी म्यूर और हॉकी टूर्नामेंट हुआ करते थे शहर में, और वहाँ हम खेलने जाया करते थे, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। ये तो अब जिस दिन से गवर्नमेंट बीजेपी की आई है, इसने बिल्कुल ये खत्म कर दिया है कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है एक दूसरे। बहुत ज्यादा समाज में तो फैला रहे, सियासी लोग फैला रहे हैं समाज को, यही गंदा कर रहे हैं। लेकिन अभी आप जाइए पुराने ताल्लुकात वाले, वो अच्छी तरह से बैठाते हैं, कोई परेशानी नहीं। अभी जाते हैं लोगों के पास। एक सवाल और है, वो ये कि आपका बहुत लंबा वक्त मुल्क से बाहर सऊदी अरब में बीता है, वहाँ आपने बहुत लंबे वक्त तक सर्विस किए, तो वहाँ जो चीज़ें हैं और अपने यहाँ जो चीज़ें हैं, खासतौर से नियम कानून और ईमानदारी और जो और जो चीज़ें आप बताना चाहें, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को बताने के लिए। हम सऊदी अरब में रहे और यहाँ जमीन आसमान, वहाँ लोग जमीन पर पड़ी हुई चीज़ भी उठाने से बहुत डरते हैं। जहाँ आस पास रहते हैं मक्का और मदीना में मेरा ज़्यादा टाइम गुजरा, तो वहाँ ऐसा नहीं है कोई चीज़ पड़ी हुई भी है तो आदमी उठाकर और उसके माल खाने में जमा करा देता था, और उठाता ही नहीं था क्योंकि इस्लाम में ये बताया कि कोई चीज़ आपको उठानी तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फिर उसको पहुँचाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, माल खाने में जमा कराना पड़ेगा, ये उस तक के पहुंचाना पड़ेगा जिसकी है, तो ना ही उठाना बेहतर है। जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो पड़ी रह दो, जो होगा जिसकी होगी वो ढूंढता हुआ आएगा उठा के ले जाएगा। या आप इस तक कर सकते हैं किसी ऐसी जगह टंगा दें, किसी चीज़ में बांध कर लटका दें, फिर तो लोग आए और देखें और जिसकी हो वो लेकर चले जाए। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए लोग अपने यहाँ हमारे यहाँ लिंचिंग होती है, पकड़ते हैं किसी को, मार पीट देते हैं और कत्ल भी कर देते हैं उसमें, क्या जैसे सऊदी अरब में आप रहे। अच्छा, बता दें थोड़ा सा कि फारूकी साहब हरम शरीफ के बिल्कुल करीब पर हैं, तकरीबन 500-700 मीटर की दूरी पर, तो आपने हज और उमरा भी कई मरतबा किए हुए, तो क्या वहाँ भी ऐसा होता है कि लोग किसी को मारते पीटते हो? वहाँ ऐसा कुछ वहाँ पर बिल्कुल मारपीट का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी को हाथ नहीं लगा। इवन हम लोग वहाँ काम किया साइड में, बहुत लेबर होती थी, हम भी किसी से बदतमीजी भी नहीं कर सकते। और कोई काम नहीं करना चाह रहा तो उसको अलग ले जाके बैठा दिया, उसकी जाकर रिपोर्ट कर दिया ऑफिस में कि ये आदमी काम करना नहीं चाह रहा। लेकिन मारपीट और ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ। वहाँ पर तो बैठा दिया कि भाई जाके आप बैठ जाओ और जाके बात कर लो, बड़े कंपनी में काम नहीं करना आपको, बस करो, कोई परेशानी। मारपीट का कोई सवाल ही नहीं, सोच ही नहीं सकते। क्या वहाँ के समाज की वजह से ऐसा है या कानून की वजह से? कानून भी और समाज भी, दोनों ही बातें हैं। वहाँ के लोग पहले ये देखते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, वो अपनी गलती को तस्लीम करने में किसी को परेशानी नहीं होती, किसी मारे इंसाफ करने में कोई परेशानी नहीं होती। कोई गलती होती है तो फौरन उसको वो सॉरी बोल देता है, छोटे से छोटा आदमी को। बड़ा आदमी जो जिसके पास पैसे की कोई तहा नहीं है, इंतहा नहीं है, वो आदमी छोटे आदमी को गले में हाथ डाल के और साथ में खड़े होकर नमाज पढ़ता है और खिलाता हुआ नजर आता है। कोई खास वाक्य वाक्य बताना चाहेंगे सऊदी अरब से जुड़ा हुआ, इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ आपको याद रहा हो? नहीं, इंटरेस्टिंग क्या, वहाँ चोरी, वहाँ भी ऐसा होता है, कभी घबराया होते हैं, छीन के भाग जाते हैं, ऐसा नजर आया है लोगों को, लेकिन वो फौरन पकड़े जाते हैं और उनकी फौरन की इंक्वायरी होती है और फौरन पकड़े जाते हैं, यानी कि सजा तक हो जाती है। हमारे यहाँ पर कई मामले, कई मौकों पर इस तरह की डिमांड होती है, जैसे
जो विमेन पे क्राइम है उनके साथ कोई वारदात होती है तो हमारे यहाँ बात होती है कि साहब उनको फांसी की सजा दी जाए या इनकी गर्दन उनको काट दी जाए। तो वहाँ पर सऊदी अरब में के बारे में जैसी खबरें हैं बताया जाता है कि वहाँ पर लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं, गर्दन काट दी जाती है। तो इस तरह का जो कानून है तो वहाँ पर जो मेरा जो सवाल है वो ये कि लोगों में उस कानून के डर की वजह से क्राइम नहीं करते या उनकी हैबिट है कि वो क्राइम नहीं करते हैं। डर भी है, कानून का डर है, कानून का भी डर है। कानून का डर इसलिए है कि वो जल्दी वहाँ पर चीजें फैसला हो जाती है कानून अदालतों से, इसलिए नहीं जल्दी तो होता ही है लेकिन पकड़ में बहुत जल्दी आ जाता है। सिस्टम ऐसा है कि फौरन पकड़ में आ जाता है, लोग एक दूसरे को पकड़वाते भी हैं कि नहीं वो आदमी ऐसा किया तो उसको खुद समाज को देता है, फौरन उसकी तस्लीम कर देता है और उसके तहत वो हाथों हाथ भी माफ कर देते हैं वहाँ के लोग अपनी गलती पे वो है तो उसको खत्म कर देते हैं। खाने पीने वहाँ पर सऊदी अरब में तो आज जैसे चलता है हरम वरम इस इलाके में तो लोग शेख आते रहते हैं और गरीबों को बांटते रहते हैं और खिलाते रहते हैं। तो किसी बाबू तो कभी कभार ऐसा भी हमने देखा मतलब तो किसी गड्डी नोट में लिए और सबको बांटता हुआ निकल के या कोई भी खड़ा हो हर किसी को देता हुआ निकल जाता, उसमें वहाँ कोई परेशानी नहीं है। और खाने के लिए कोई कह दे कि खाना फौरन वो खिला देगा। वहाँ तो लंगर लग जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक खड़े हो जाते हैं आकर और बेचते भी हैं वहाँ पर, बड़े बड़े ट्रक खड़े रहते हैं बेचते रहते हैं और जब देखते हैं टाइम खत्म हो गया तो फिर सभी लीला करके फ्री में बांट कर चले जाते हैं। लेकिन उसको जाना होता है शाम को खाली हाथ जाता है। अपने यहाँ पर क्या हो जो चीजें हैं जैसे बड़ा मुल्क अरब के मुल्क सऊदी अरब से भारत बहुत बड़ा मत है, यहाँ पर जो चीजें हैं हमारा जो सोसाइटी है इसमें इंतजार बहुत है, लोग परेशान बहुत हैं और इनसिक्योरिटी बहुत है लोगों में, तो उसकी उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? खासतौर से जो लोगों की इनसिक्योरिटी है कि आज मेरे साथ कल मैं क्या करूँगा, कल मेरे लिए खाने का पैसा कहाँ से आएगा या मेरी जान का खतरा है तो वो मैं कैसे हिफाजत करूँ, कई सारी सिक्योरिटी है तो उसमें कैसे लोग क्या करें? ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा, जब बैठेंगे तो एक कानून बनाना चाहिए और समझना चाहिए। आज की तारीख में हिंदू जैसे मणिपुर का केस चल रहा है, आज की तारीख में बीजेपी उस पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहती और अपोजिशन पार्टी वो भी उसके लिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि वोट चाहिए उन्हें, अगर वो कुछ कह देंगे तो वोट नहीं मिलेगा उन्हें और अपोजिशन पार्टी भी कहेगी तो वो भी उनको भी वोट नहीं मिलेगा। अभी तो मणिपुर की घटना पे जब से ये वीडियो आने खासतौर से, लेकिन उसका फैसला हो कहाँ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है? अपोजिशन तो बोल रही है पहले से ही और सोशल एक्टिविस्ट भी बोल रहे हैं और जो लिबरल मीडिया वही बात कर रहा था, मगर ये 3-4 दिन से 24 तारीख को जुलाई में भी कुछ बहुत ही सीनियर वीडियो थे वो तो वीडियो आए तो उसके बाद तो अपोजिशन डिमांड कर रही है। अब मणिपुर की जैसे वार्ता थे तो वहाँ पर भी बहुत खौफनाक क्राइम वहाँ पर हुए हैं, तो इसी तरह की चीजों को लेकर के आम आवाम में जो मुल्क की आवाम है उसमें फिक्र होती है, तो ये चीजें कैसे खत्म हो, क्योंकि कानून तो हमारे मौजूद है, सरकारें मौजूद है, संविधान मौजूद है, तो ये समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही? हमारे नेता है हैदराबाद के मोहम्मद इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं जब तक के इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक के फैसला नहीं होगा। तो मुसलमानों के साथ तो इंसाफ हो ही नहीं रहा, यही वो राजीव गांधी थे जिसने बाबरी मस्जिद का ताला खोला, उसको मुसलमान नहीं भूल सकता। मुरादाबाद का झगड़ा मुसलमान नहीं भूल सकता, अलीगढ़ में देखिए कितने झगड़े होते थे। तो ये सब वो कांग्रेस है और बीजेपी तो खुलेआम कर रही है, उसको मालूम है, हर मुसलमान जानता है बीजेपी मुसलमानों को चैन से नहीं रहना चाहते। तो इंसाफ जब तक के नहीं होगा जब तक के कुछ नहीं होगा, जब इंसाफ का पैदा करना पड़ेगा जब जाके होगा। कुल मिलाकर के अभी हमारी बातचीत फारूक के साथ हो रही थी,
और जो निष्कर्ष है या जो एक अहम सवाल का जवाब दिया उन्होंने, इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, जब तक किसी भी मुल्क में कानून अपना काम नहीं करता है तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होती है, समाज में अफरा तफरी बनी रहती है। कानून का काम होता है, अदालतों का काम होता है कि वो वक्त पे कार्रवाई करें, वक्त पे इंसाफ करें, और सरकारों का काम होता है कि उसके मुताबिक काम करें। सरकारें कानून बनाती हैं, पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करता है कोर्ट। अब जब कोर्ट से कानून पे कार्रवाई नहीं होती बहुत बार, तो उससे समाज में बड़े निगेटिव असर पड़ते हैं, और उससे फिर सोसाइटी अच्छी नहीं बनती है। कुल मिलाकर के आज का हमारा जो डिस्कशन था मोहम्मद शहीदुल्लाह फारूकी साहब से, वो इंडिया मोहब्बत की दुकान जो हमने नई सीरीज शुरू की है उसके तहत है ये, और ये कारवां चलता रहेगा। आगे भी आप बहुत सारे मेहमानों को देखेंगे, और वो नॉन पॉलिटिकल लोग होंगे, समाज के बिल्कुल आम जो लोग हैं, किसी सियासी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होंगे, और अक्सर हम सियासत की बात भी इसमें नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इंसान की जिंदगी से सियासत जुड़ी हुई है, हुकूमतों के मामला, अदालतों के मामला, अब जैसे मणिपुर की बात की आरोपी साहब ने उसका जिक्र किया, तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि जब कानून बन जाता है अदालतें सजा दे देती हैं, और वह सरकार जो लोग हीनियस क्राइम में, रेप में, मर्डर में, बच्चों के कत्ल में, जेल में होते हैं, उनको बरी कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब ऐसी सूरत में समाज में क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगाए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। शुक्रिया आप सभी का।